देवभूमि उत्तराखंड अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए अब फिल्म जगत के मानस पटल पर उभर रहा है। बीते सालों में कई बड़े बैनर की फिल्मों की शूटिंग भी देवभूमि में हुई है। अब इसको लेकर सूबे की राजधानी में आयोजित इन्वेस्टर समिट में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अपार संभावनाओं पर चर्चा हुई। सूबे की राजधानी देहरादून में आयोजित इन्वेस्टर समिट में फिल्मांकन के क्षेत्र में सरकार बड़े पैमाने पर अब नए प्रोडक्शन हाउसों को आकर्षित करने की ओर प्रगति कर रही है। राज्य में बेहतर फिल्म नीति बनाने के साथ ही फिल्म निर्माताओं, सरकार, निजी निवेशकों, स्थानीय लोगों को भी जोड़ने का काम सरकार कर रही है। यहाँ की लोक संस्कृति, भाषा, लोक नृत्य, लोकगीत के साथ ही यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। विगत वर्षों से राज्य सरकार द्वारा फिल्म उद्योग को बढ़ावा दिए जाने के लिए एक विशेष पहल की जा रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण लोगों से उन्होंने स्वयं मुलाकात की और ये इंटेंट जताया, ये मंशा जताई कि हम उत्तराखंड में जो फिल्में हैं उनको शूटिंग के बारे में या उत्तराखंड के बारे में फिल्में बने या उत्तराखंड में फिल्मों से जुड़ी जो संभावनाएँ हैं रोज़गार की वो बढ़ें, इस पर काफ़ी हम सीरियस हैं और गंभीर हैं और हम चाहेंगे कि आपके तरफ से भी पहल हो और जो भी हम सुविधाएं दे सकते हैं या जो भी बाधाएं हम दूर कर सकते हैं हम वो करने का प्रयास करेंगे। तो इसका काफ़ी फिल्म इंडस्ट्री ने स्वागत किया और उसके बाद जो है इन्वेस्टर समिट जो किया है इसका भी एक हिस्सा फिल्म को भी दिया गया। इसका एक सत्र फिल्म के विषय में था और कुल मिलाकर कोशिश साफ दिखती है और कई योजनाएँ भी सामने हैं और मुझे लगता है कि इसके बाद जब एक पूरी रिपोर्ट सामने आएगी, कुछ शुरुआत वैसे ही हो चुकी है जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस है, शूटिंग के लिए और सुविधाएं या रिबेट्स देने की बात है उस पर ऑलरेडी मैंने सुना है कि जो सरकार है उसने ऑलरेडी उसमें योजनाएं बना दी हैं और उसको शुरू भी कर दिया है। सूबे में फिल्मांकन के लिए अब सरकार बड़े पैमाने पर काम कर रही है। जल्द ही इसको लेकर सूबे में फिल्म सिटी का निर्माण भी किया जाना है। उत्तराखंड राज्य के परिवहन मंत्री समाज कल्याण यशपाल आर्य ने कहा कि राज्य में फिल्म निर्माताओं को फिल्म शूटिंग के लिए एक बेहतर अनुकूल वातावरण दिए जाने के लिए फिल्म नीति तैयार कर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। बातचीत की, उन्होंने आह्वान किया कि आप उत्तराखंड में आए फिल्म निर्माण में फिल्म शूटिंग की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ वहाँ पर हैं, हम आपको अनुकूल वातावरण देंगे, हम आपको सुविधाएं भी देंगे, यहाँ तक कि जो 70% शूटिंग उत्तराखंड में होगी। आपने जो सवाल किया कि संसाधन सीमित हैं, 75% शूटिंग अगर उत्तराखंड में होगी तो उसमें 1.5 करोड़ की राशि उन्हें की सहायता दी जाएगी और जो हमारे गेस्ट हाउसेज हैं उसमें भी हम 50% रियायत देंगे और उनको पर्याप्त सुरक्षा देंगे। जो भी जिससे आपने कहा सिस्टम की बात करें और 7 दिन में हम 7 दिन के अंदर उनको शूटिंग की परमिशन दे देंगे, तमाम बातों पर हमें आज इसमें आपको अगर अवगत कराया है और मेरा मानना है कि जैसे कि आपने कहा सीमित संसाधन है ये संभव ही नहीं है, हम जो भी कह रहे हैं ईमानदारी से कह रहे हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि अनुकूल वातावरण है और एक उत्तराखंड के फिल्म डेस्टिनेशन के लिए एक महत्वपूर्ण जगह बनाता जा रहा है। तो मेरा मानना है कि हमारे फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोग आपको आप का एक गौरव नाम भी है, पहचान भी है, हमारे गौरव भी हैं, हमें आपकी मदद की दरकार भी है, आप हमें मदद भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो फिल्म निर्माता है उनको यहाँ पर आने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं, मोटिवेट भी कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि जो पलायन की समस्या हमारे सामने आज है, हमारे पास हमने कहा है कि हम फिल्म सिटी का भी निर्माण करने जा रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, एक जगह चिन्हित भी की गई है और जो हमारा FTI और जो फिल्म विकास परिषद है उसके तत्वाधान में हमने कार्यशालाओं का भी आयोजन किया है। हम दक्ष टेक्नीशियन देंगे, दक्ष कलाकार देंगे जिससे कि फिल्म निर्माता आकर उनकी मदद कर सकें, जो दक्ष कलाकार हैं, दक्ष टेक्नीशियन हैं, उनकी ज्ञान किनको है, उन कार्यशालाओं में हम उनको ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। तो मेरा मत है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी फिल्म निर्माता है या फिल्म निर्देशक हैं
सूबे में आने वाले दिनों में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम होने वाला है। इसके लिए सूबे में नई नीति के साथ कई तरह की सब्सिडी भी सरकार देने की सोच रही है। उत्तराखंड में फिल्म उद्योग के बेहतर विकास की संभावनाओं को देखते हुए इन्वेस्टर समिट में इस विभाग को रखा गया है। अब देखना है कि ये राज्य में कितना राजस्व लाएगा और किस तरह से विकास में योगदान देगा।